कोरोना महामारी के भीषण संकट के बीच सर्वोच्च अदालत ने अभिभावकों को राहत दी है। दरअसल में स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों ने कई दफ़ा स्कूल में बढ़ती हुई फीस वृद्धि के लिए मोर्चा खोल चुके हैं। कोरोना महामारी की वजह से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, ऐसे में विद्यार्थी उन सभी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं जो उन्हें विद्यालय जाने पर हमेशा मिलती आई हैं। इसलिए सभी शैक्षणिक संस्थान अपनी फीस कम करें। संस्थानें विद्यार्थियों से सत्र 2020-21 की वार्षिक फीस ले सकते हैं, किंतु उन्हें इसमें 15% की कटौती करनी पड़ेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया गया। जस्टिस AM खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने शैक्षणिक संस्थानों को 6 किस्तों में 5 अगस्त 2021 तक फीस लेने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कोई विद्यार्थी समय पर फीस जमा कर पाने में असमर्थ है तो उन परिस्थितियों में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का परिणाम रोका नहीं जा सकता है। साथ ही किसी विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने से भी स्कूल मना नहीं कर सकता है। क्या है पूरा मामला? हाल ही में राजस्थान सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 72 के तहत 36,000 सहायता प्राप्त निजी विद्यालय और 220 सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को वार्षिक फीस में 30% कटौती करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसे संविधान के अनुच्छेद 19.1G के तहत विद्यालयों को व्यवसाय के लिए दिए गए मौलिक अधिकार का विरुद्ध मानते हुए विद्यालयों ने सरकार के इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी। इस्तेमाल न की गई सुविधाओं की फीस नहीं ले सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने अपीलकर्ता यानी विद्यालय से कहा कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए 2016 के कानून के तहत निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप शुल्क वसूल कर सकते हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थान सत्र 2020-21 के लिए विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल न की गई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 15% शुल्क कम करें। क्या कुछ आगे अपडेट होता है हम आपको बताएंगे। मैं आयुष तिवारी हूँ, आप ऑक्सीटॉक्सिन देख रहे हैं।